कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड की हेल्थ तो सारी जगह पे सारे ऑर्गन्स पे सारी चीजें पहुंच पाती अब है अब प्लांट्स में ये चीज कैसे होती है फूड जो है मिनरल्स जो है वाटर वो है जो है वो सारे पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है सो so, वो हम स्टडी करेंगे सो लेट्स इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स लाइक फूड वाटर एंड मिनरल्स सो फूड वाटर मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लेस कर थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज टिश्यूज हेल्प करते हैं और क्या नाम है उन टिश्यूज का जाइलम एंड सो इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे इन टिश्यूज की हेल्प से पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो पाता है so now, पहली बात करते हैं ज़ाइलम की वार, तो प्लांट so, ज़ाइलम का काम क्या होता है देखो जब भी हम एक पौधे में पानी डालते हैं तो हमेशा से आपके घर में भी प्लांट्स होंगे सो so, हम पानी हमेशा कहाँ डालते हैं मिट्टी में मतलब जो रूट्स हैं, जहाँ पे उसकी वहां पे डालते हैं सो so, उस रूट से सारे पार्ट्स तक पानी पहुंचाने का काम होता है इस जाइलम टिश्यू का इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियड्स वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय डिफ्यूजन देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन अभी ट्रांसपिरेशन रेड है इसका मतलब है कि ये टॉपिक हम अभी पूरे डिटेल में भी करेंगे द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो यहाँ पे देखो

ट्रांसपिरेशन सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी इस पूरे में आपको सो so, ये समझ लो कि जाइलम हमारा क्या काम करता है अपवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करता है द सक्शन फोर्स एक सक्शन फोर्स होती है जो कि हेल्प करती है अपवर्ड पुल जो इफेक्ट डालना होता है क्योंकि कोई चीज देखो अगर लीव्स में है या ऊपर से नीचे आना है तो वो तो ग्रेविटी की हेल्प से ही एक नेचुरल फिनोमिना है कि चीज नीचे ही फ्लो करते है. लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई चीज ऊपर जा रही है सो so, उसके लिए एक आपको पुल फोर्स चाहिए होती है जिसमें अभी में में हम डिस्कस करेंगे ठीक है है सो so, ये ये समझ आ गया इसको देख लेते हैं हमारी वेसल्स होती है, जो कि वो मूवमेंट कराती वन वे वे ओनली एक ही वे होता है, सिर्फ इसमें ऊपर ही जा वाटर एंड no सेल के बीच में कोई एंड वॉल नहीं है पूरा हम सिर्फ यहां पे इसमें इतना जो चीजें आपकी सिलेबस में जितनी है जहां पे एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत है वहां मैं अपने आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देती हूँ कुछ चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी इतनी डेप्थ में जाए तो वहां में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते बिकॉज उससे सिर्फ आपका चैप्टर

अदर पार्ट तक लेके जाने का काम होता है इस फ्लोम का सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है मतलब लीव्स में जो हमारा फूड प्रेजेंट है उसको बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक लेके जाना दैट इज ट्रांसलोकेशन नाउ द फॉलम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स फूड फ्रॉम द लीव इज ट्रांसफर टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एटीपी याद है हमने पढ़ा था जब हमने ह्यूमन का रेस्पिरेशन किया था कि ये बेसिकली क्या होते हैं एनर्जी फ्यूल होते हैं किसी भी सेल के लिए ठीक so, है सो इसकी हेल्प से होता है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फॉलम एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सो ऑसमेटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो एंटर करता है फॉलम में एंड हेल्प करता है उसे बाकी जो फूड है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है अब इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे वो हमने देखा था सिर्फ वन वे है ये जब होता है ये टू वे होता है इसमें चीज़ें ऊपर वाटर एंड फूड ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी फ्लो कर रहा है सेल्स है अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन जब हम जायम की बात करते हैं उसमें आया था वो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको ध्यान से समझना अलग से इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास सो so, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वॉटर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सो नाउ जो वाटर है एक्सेस वॉटर है उसका लॉस होता है मतलब जैसे आप देखोगे कभी कभी लीव के ऊपर पानी कलेक्ट हो जाता है तो वो बेसिकली एक वे है अपनी जितना भी प्लांट में एक्सेस वॉटर है उसको अपने आप से बाहर निकालने का और उसी प्रोसेस को हम

की हेल्प से एड ऑन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नाउ हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो कंप्यूटर कंप्यूटर कह रही हूँ प्लांट्स में टेम्परेचर रेगुलेशन का भी ध्यान रखता है ये। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव दैट इज फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ये भी हमने जब फॉलम पढ़ा तो उसमें पढ़ के आए हैं जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स सो वी आर गोइंग टू टे अच्छा लास्ट टॉपिक होने वाला है सो वी आर गोइंग टू टेक दिस टॉपिक इन दैक्स सेशन आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल वो बाई फनाव